भागीरथ सिंह मीना आईपीएस ते एसएसपी मानसा दे वजो जड़ा है ओहदा संभालिया गया है। साफ सुथरा करप्शन रहित ते पारदर्शी पुलिस प्रशासन मुहैया करवाउण दे लई मुढ़ला काम जड़ा है शुरू कराया गया। जिले दे अंदर अमन ते कानून दी स्थिति नूं बरकरार रख्या जावेगा। किसे भी शरारती अंसर नूं जिले दा माहौल खराब नहीं करन दित्ता जावेगा, उहनां दे वल्लों कहा गया। इस दे नाल ही नशिया दी रोकथाम दे लई सख्त कदम जुड़े ने चुके जाणगे अते अपराधियां दे विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल दे विच लियांदी जावेगी। अजकल दे हालातां नूं मद्देनजर रखदे होए लॉ एंड ऑर्डर कायम रखा जाएगा ते संगठित अपराधा दे विरुद्ध प्रभावशाली नीति अपनाई जाएगी ते पंजाब सरकार दीआं नीतियां दे अनुसार हर लोड़वंद नूं बनदा इंसाफ समय सिर मुहैया करवाउण दे लई जुड़ा है कार्यशील होवांगे। इन्हां गल्लां दा प्रगटावा श्री भागीरथ सिंह मीना आईपीएस जी दे वल्लों मानसा दा अहुदा संभालदे होए कीता गया। उह जिथे भी रह रहे हन जिला वासियां दे वल्लों उहनां नूं जुड़ा है हमेशा सहयोग दित्ता गया है अते उहनां मानसा निवासियां दे पासों भी उम्मीद जताई है कि उह भी भरपूर जिहड़ा है भरपूर सहयोग देणगे। उहनां मानसा निवासी शलाघा करते हुए दस्या है कि लोगों के सहयोग सदका ही अमन अते शांति नूं कायम रखा जा सकता है। मानसा का एसएसपी के रूप में मैंने चार लिया है उन्हें, तो उन्हें चार लेने के बाद में मेरे अफसर नाल मुलाकात करने के बाद में सारे मीडिया कर्मियों को भी बुलाया से वे सारे नाल पहली बार रابطہ कायम हो जाए। फर्स्ट डे जो मेरा टेन्योर रहेगा उदे विच जो मेरी जो प्रायोरिटीज रहेंगी जो माननीय सीएम साहब और डीजीपी साहब वालों जो हिदायत दी गई है उसी कड़ी दे विच जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो एक्शन अगेंस्ट ड्रग्स हैगा, सेकंड जो ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ साड़ी मुहिम हैगी, थर्ड हैगा जो भी कोई क्राइम होंदा हैगा उसको प्रिवेंशन और डिटेक्शन दोनों पैरेलल चलने हैगे, और फोर्थ हैगा डिस्ट्रिक्ट दे विच लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और आम पब्लिक की जो भी ग्रीवांसेज हैगे वो सीधे मेरे नाल आके मिलके और अपनी चीजें थे दस सकते हैगे। मैं ऑलवेज 24/7 पूरी मानसा की सारी पब्लिक के लिए अवेलेबल हूँ। तो असी मानसा डिस्ट्रिक्ट वासियों नूं मैं सारिआं नूं यह बेनती करता हूँ कि साडा पुलिस का साथ दो और मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो भी प्रॉब्लम्स हैगी उनके रिगार्डिंग पुलिस रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैगी मेरे वालों पूरी तनदेही नाल काम किया जाए। देखो उन्होंने तो एक ही संदेशा हैगा कि या तो वो क्राइम करने इतने छड़ दें या उनके खिलाफ जड़ा भी जो स्ट्रिक्ट एक्शन हैगा वो लिया जाएगा मानसा पुलिस वालों। सर पिछले बिल्कुल जी जो साड़ी माननीय डीजीपी साहब की जो हिदायत है उसके विच रेगुलर साडा जो एंटी ड्रग कैंपेन चल रहा हैगा जो मल्टी प्रोलॉन्ग स्ट्रेटजी हैगी उहदे विच असी जो नशे का काम करते हैगे उन्होंने खिलाफ परचे भी देंदे हैगे, उन्हां की जो काली कमाई से जो प्रॉपर्टी बनाई हैगी वो असी जब्त भी करते हैगे, उहदे नाल ही असी जो ड्रग ज्यादा ही लेने के जो आदि हो गए उनको एज ए पेशेंट मान के और उनको ड्रग डिहाइड्रेशन सेंटर उन्होंने भर्ती भी करवाते हैं और साडा जो जो साडे जो सेमिनार्स वगैरह हैगे हर पिंडां दे विच मोहल्लां दे विच वाड़ां दे विच जाके साडे अफसर साहिबान लोकां नूं मतलब ड्रग्स के जो माड़े प्रभाव उहनां दे रिगार्डिंग अवेयर भी करते हैगे ताकि एक मल्टी प्रोलॉन्ग स्ट्रैटजी हैगी जिहदे विच जो पंजाब सरकार ने उलीची हुई हैगी तो असीं उस पे पैरेलल और कंटीन्यूअस असीं काम करना है। सर अक्सर देखिए तो एक ही सनेहा हैगा सारिआं नूं कि तुसीं मेरे नाल आके सीधा तुसीं राबता कायम करो, मैनूं लोकां दे नाम दस्सो, तुहाडे नाम जो सीक्रेट रखा जाएगा, किसी की जो भी कोई इनफॉरमेशन देता है उसमें कभी भी ऐसे उजागर नहीं करें, ये मेरा प्रॉमिस है लोगों नाल, तुसीं मैनूं आके सीधा आके या मैंने मोबाइल राही वो चीज़ तुसीं शेयर कर सकते हो, उन्होंने नाम मैं वादा करता हूँ कि कभी भी ओपन नहीं किए जाएंगे।